उसमें हमने देखा कि 15 क्वेश्चन जो थे हिस्ट्री में से आए हुए थे बेसिकली हिस्ट्री के क्वेश्चन थे तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हमारा बन जाता है एक मेजर सेक्शन आप लगा लो एग्जाम का हिस्ट्री में से आ रहा है और हर साल हिस्ट्री के क्वेश्चन वन ऑफ द हाइएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन में से रहते हैं टेंट so, कॉम्पोनेंट है और इसीलिए हमने सोचा कि आ, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करें सिक्सटीन लेक्चर्स के अराउंड हमने पिछली बार डाले थे वो सिक्सटीन लेक्चर्स भी इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि पिछले साल वो डाले थे तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन हिस्ट्री चेंज हो गई है तो वो सिक्सटीन लेक्चर्स भी आपने देखने हैं और आ, उसी से हम इसको यहाँ पर रेज्यूम करेंगे लेक्चर नंबर सेवेंटीन से

कि इतने लेक्चर्स हमें लगेंगे प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए उनको कवर करने में ठीक है सो आप अपना जो रेगुलरिटी है वो इसमें बना करके रखिएगा सारे लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा एंड मॉक टेस्ट देना मत भूलना मॉक टेस्ट दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होते हैं ना यूपीएससी काफी अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आता है एनसीईआरटी अगर अच्छे से फॉलो की हुई है तो आंसर इजीली ज्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं सो मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करिए मॉक टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा ये मत सोचिए कि अभी तो मेरी तैयारी नहीं है मैं पेपर से दस दिन पहले करूंगा अभी करोगे तभी एक आइडिया लगेगा ना कि कितना पानी में हो और कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है ठीक है बिल्कुल लास्ट में जाकर के करोगे तो फिर तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं बचता है ना चलिए एंड जो भी ये थर्टी प्लस इसमें स्कोर होगा उसको नाइनटी परसेंट ऑफ मिलेगा एमसीक्यू कोर्स के ऊपर और जो बेसिकली कॉम्बो कोर्स है जिसके अंदर एमसीक्यूज हैं आपके आईआरएल गैप और सोशल सिक्योरिटी के प्लस पीडीएफ फाइल्स हैं यूट्यूब की पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फटाफट ये 1995 में आया था सिविल सर्विसेज में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज 1946 में इंटरीम सरकार बनी थी ठीक है ब्रिटिशर्स के अंडर और उसमें वाइस प्रेसिडेंट कौन थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू बी एस राधा कृष्णन सी राजा गोपालचारी डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब कोई कह दे कि सर ये क्वेश्चन क्या पुराना नया होता है क्या इस क्वेश्चन में इंटरम गवर्नमेंट में से तो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो द राइट आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और सारे क्वेश्चन को ना क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन को जब मैं एक बार पढ़ देता हूँ समझा देता हूँ खुद से आंसर करना है वीडियो को पॉज करके ठीक है और फिर देखना है कि सही हुआ या गलत हुआ ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करनी है सो इंटरीम गवर्नमेंट फॉर्म इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू तो ये ये आपका बेटा है है इसके अंदर इंपॉर्टेंट नाम है जो अपने याद रखने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एक तो वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन का डिपार्टमेंट भी इनके पास था होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वल्लभ भाई पटेल के पास था डिफेंस बलदेव सिंह के पास था डॉक्टर जॉन मिथाई के पास था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज राजा गोपालाचारी के पास था एजुकेशन सी एच भाबा के पास था वर्क माइन एंड पावर राजेंद्र प्रसाद के पास फूड एंड एग्रीकल्चर असफ अली के पास रेलवे जगजीवन राम के पास लेबर लियाकत अली के बाद के पास फाइनेंस टी टी चुंद्रीगढ़ के पास कॉमर्स अब्दुल रब निस्तार के पास कम्युनिकेशन गजनफर अली खान के पास हेल्थ और जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था लॉ ये आपने याद रखना है दोस्तों ठीक है मेनली और इसके अंदर से जो प्राइमरीली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर टिक मार्क कर रहा हूं वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो टिक मार्क किए हैं लेकिन अगर हो सके तो सारा याद कीजिए सेकंड क्वेश्चन अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं जो कहीं ना पढ़े हो ना कहीं ना देखे हो हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लेंगे ना एक हमारे पास अच्छा खासा बैंक क्रिएट हो जाता है इस तरह की डिटेल्स का हुगली वॉज यूज एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बेंगाल बाय हुगली को एज पायरेसी के लिए कौन इस्तेमाल करता था पोर्टुगीज इस्तेमाल करते थे फ्रेंच इस्तेमाल करते थे डेनिश या ब्रिटिश अब ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं इनके क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत इजीली नहीं मिलेंगे ऑल राइट सो द राइट आंसर गाइज ऑप्शन ए पोर्टुगीज जो है हुगली को यूज करते थे एज अ बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल 1631-32 में कासिम खान ने अल्टीमेटली uh, इनको फिर दबाया तब तक तो ये पायरेसी बहुत इन्होंने चोरी डकैतियां वहां पर डाल रखी थी बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में बट अल्टीमेटली कासिम खान के बाद ये थोड़ा शांत हुए नेक्स्ट क्वेश्चन द मोदी स्क्रिप्ट वॉज इम्प्लॉइड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द मोदी स्क्रिप्ट ठीक है दिस इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ठीक है उनसे कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर एंड ये जो मोदी स्क्रिप्ट है ये किन के डॉक्यूमेंट्स में यूज की जाती थी स्पेसिफिकली मराठास के डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों ठीक है और मेनली ये रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस के लिए था अब इसकी बहुत ज्यादा डिटेल इस स्क्रिप्ट की मैंने यहां पर नहीं डाली है क्योंकि अगेन वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम बहुत ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ें बैलेंस की बात हमेशा मेरी ध्यान में रखना जो मैं आपको कह रहा हूं ना यू हैव टू मेंटेन अ फाइन बैलेंस बैलेंस जो है वो आपको मेंटेन करके चलना है एक सिविल सर्विसेज के एग्जाम में और आपके ईपीएफओ के एग्जाम में डोंट गो फॉर द ब्लाइंड रन की आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने लग जाओ उससे आपको एग्जाम में फायदा कोई नहीं होगा फोर्थ क्वेश्चन अगेन यहां पर एक मैप के ऊपर ध्यान देंगे जो आपके साइड uh, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है आपको यहाँ पर one, two, three, करके प्लेसेस हैं हैं और आपको है। आपको बेसिकली बेसिकली सीट्स ऑफ पावर हाईलाइट करने सिंधियाज एंड ऑप्शन में गिवन है तो आपको बताना है वन क्या है टू क्या है थ्री क्या है फोर क्या है एनसीआर क्लास एट्थ की अगर फॉलो की है जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की है डेफिनेटली आप इसको आंसर कर सकते हो सो आंसर यहां पर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों ये है आपके सिंधियास ठीक है नंबर दो पर ये आपके होलकर आ जाते हैं बिल्कुल सिंधिया के पड़ोस में नंबर थ्री पे आ जाते हैं आपके गायकवाड्स नंबर थ्री पे आ जाते हैं आपके गायकवाड्स ठीक है तो ये तीनों आपस में पड़ोसी हैं और सबसे नीचे को जाकर के ये आपके भोसलेज हैं ठीक so, है जी सो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ वाला क्वेश्चन अगर वो पूछता है पेपर में जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में तो काफी पूछता है हर बार एक क्वेश्चन तो इस टाइप का वो पूछता ही पूछता है है ना तो अगर वैसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तब भी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है आपको कुछ बेटल गिवन है और उसके साथ आपको गिवन है कि वो बेटल के बीच में बेसिकली फाइट किया गया था ठीक है तो ये आपको दो चीजें गिवन है आपको बताना करेक्ट मैच कौन सा है तो एबीसीडी है यानी कि तीन इनकरेक्ट होंगे और सिर्फ एक करेक्ट है बैटल ऑफ बक्सर कह रहा है कि मीर जाफर और क्लाइव के बीच में लड़ा गया था बैटल ऑफ वेंडी वॉश में फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी थे बैटल ऑफ चिलियन वाला में डलहौसी वर्सेज मराठास थे एंड बैटल ऑफ खरदा में निजाम वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो कौन सा बैटल करेक्टली मैचड है बिटवीन दो इट वॉज फॉर्ट सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बैटल ऑफ वेंडी वॉश फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये बैटल जो है वो लड़ा गया था बाकी सारे गलत हैं तो एक बार देख लेते हैं करेक्ट क्या क्या डी वाला जो है ये काफी फेमस बैटल नहीं है बेसिकली निजाम और मराठास का का बीच का बैटल है तो ये तो यहां पर आपका बैटल ऑफ खरडा जो है वो निजाम और मराठास में था बाकी अगर आप बैटल ऑफ बक्सर देखते हो तो एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे ज्वाइंट फोर्सेज ऑफ मीर कासिम जो उस टाइम पर बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटर थे शूजाउला जो नवाब थे अवध के और शाह आलम टू जो मुगल एम्प्रायर थे तो ईस्ट इंडिया वर्सेज कंपनी रेस्ट ऑफ द थ्री था ठीक है लेकिन आपका ऑप्शन में ईस्ट तो तो इंडिया कंपनी का बक्सर के अंदर लड़ा गया था नाइनटीन 1764 के अंदर और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीती एंड ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो है ठीक है ओके उसके बाद आपका बैटल ऑफ वेंडी वॉश थर्ड कर्नाटिक वॉर जिसको हम बोलते हैं ये इंग्लिश और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में लड़ा गया था वंदावसी तमिलनाडु के अंदर एंड इसके अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीती जो आपका यहाँ पर ये तीसरा बैटल गिवन है ना बैटल ऑफ चिलियन वाला ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का एक वन ऑफ द बैटल्स था एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के बीच में लड़ा गया था फाइनली ये बैटल को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता एंड सिख अंपायर इससे खत्म हो गया था क्वेश्चन वर्ड आदिवासी फॉर द द फर्स्ट टाइम टू रेफर ट्राइबल पीपल बाय ट्राइबल लोगों को रेफर करने के लिए आदिवासी शब्द यूज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे अब आदिवासी शब्द देखो, आज की डेट में कितना कॉमनली यूज किया जाता है है ना तो यहाँ पर यूपीएससी ने 1995 में अगेन सवाल पूछा था सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ठक्कर बप्पा ठक्कर बप्पा एक सोशल रिफॉर्मर थे और इन्होंने ट्राइबल पीपल के लिए ये वर्ड आदिवासी जो है फर्स्ट टाइम यूज किया था ठक्कर बापा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने जो बिल्कुल इनकी बर्थ और एजुकेशन वाली इन्फॉर्मेशन है उसको मैं यहाँ पर नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पॉइंट्स देखेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नाइनटीन में इन्होंने ज्वाइन किया था जो गोखले ने बेसिकली जो फाउंडर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के महात्मा गांधी को मिले गोखले ने ही मिल, मिलवाया था इनको और धीरे धीरे क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हुआ

जो वेरियस कमिटीज थी और सब कमिटीज थी उसमें से एक सब कमिटी थी एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन असम इस सब कमिटी के चेयरमैन थे एंड असम के के ऊपर भी 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 एक सब कमिटी थी उसके भी ये chairman, उसके भी ये ये चेयरमैन मेंबर रहे ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साथ कनेक्टेड थे एंड कंपल्सरी एजुकेशन यूनिवर्सल एजुकेशन के अंदर बिलीव था अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना चाहते थे इन्होंने एक किताब लिखी ट्राइब्स ऑफ इंडिया जो 1950 में पब्लिश हुई इतना अच्छा काम था इनका और महात्मा गांधी भी इनके काम से इतने ज्यादा खुश थे कि महात्मा गांधी ने एक बार बोला कि अल्टीमेटली महात्मा गांधी का एम है कि वो जितना सेल्फलेस सर्विस ठक्कर बप्पा प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड कर सके तो सोचो महात्मा गांधी जिस व्यक्ति के बारे में ये बात बोल रहे हैं तो डेफिनेटली दैट पर्सन मस्ट क्वेश्चन एक आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन है इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है

To encourage consideration of social problems on a national scale, he inaugurated the Indian National Social Conference. Indian National Social Conference <laughs> ka founder hoga, Jibandai, which for many years met for its annual session alongside with the Indian National Congress. The reference in this passage is to the Point number one, point number two. Inse fir bhi clear nahi hota, कौन होगा आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर है बहराम जी मरवजी बारी है महादेव रनाडे है या बी आर अंबेडकर है पॉइंट कहां से क्लियर होता है इनग्रेशन ऑफ इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस किसने बनाई थी ये आंसर है आपका और आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी महादेव गोविंद रनाडे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन्होंने ही बनाई थी सो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लो एमजी रनाडे और रघुनाथ राव फाउंडर्स थे इसके और एनुअली मिले पहला सेशन हुआ मद्रास 1887 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सेशन था मद्रास 1887 में उसी टाइम टाइम पर इन्होंने भी अपना सेशन कंडक्ट किया काफी सालों तक सेम सेम वेन्यू पर ये कंडक्ट करते थे आगे चल करके अलग भी हो गया सोशल इश्यूज के ऊपर इनकी अटेंशन थी ओके यहां तक कि इसको ये भी बोला जाता था कि ये जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक तरीके से सोशल रिफॉर्म सेल है इंटरकास्ट मैरेजेस पॉलिगामी को इन्होंने अपोज किया कुल को अपोज किया एक इन्होंने मूवमेंट भी लॉन्च की जिसका नाम था प्लेज मूवमेंट जिसके अंदर लोगों को एनकरेज किया जाता था कि वो शपथ लें प्लेज लें कि वो चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट नहीं करेंगे नाउ जी नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर सिंपल सा क्वेश्चन है पहला यूरोपियन कौन था जिसने स्टार्ट किया पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज ठीक है जी कि भैया जो इंडियन राजा रजवाड़े थे जो आपस में वो लड़ते रहते थे किसने पहली बार इनकी लड़ाइयों के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया इसमें इंटरफेयर करना शुरू किया विद द सोल एम कि हां जी हम टेरिटरी एक्वायर करें हम अपना एम्पायर बनाए कौन था क्लाइव ड्यूप्लिक्स एल्ब्रोकी और वॉरन हेस्टिंग ठीक है दो फ्रेंच वाले गिवन है यहां पर और दो इंग्लिश गिवन है तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ड्यूप्लिक्स ड्यूप्लिक्स पहले यूरोपियन थे जिन्होंने इंडियन प्रिंसेस के क्वेरल में सिर्फ और सिर्फ इस एम से पार्टिसिपेट करना शुरू किया कि भैया हमें तो टेरिटरी एक्वायर करनी है ओके सो दिस इज इट गाइस अ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो विद एट क्वेश्चन इसी तरीके से फाइव ए टेन डिपेंडिंग अपॉन द साइज कि कितना उस क्वेश्चन को डिटेल रिक्वायर्ड है हम डिस्कस करेंगे एंड पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है मौके है जरूर अटेम्प्ट करना है आपने मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय